हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। माय नेम इज़ अभिषेक और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजर एंड माइनर पेस्ट ऑफ रेड ग्राम एंड चिकपी। सो दिस इज़ आवर 35th लेक्चर ऑफ एंटोमोलॉजी। सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की PDF या फिर PPT चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियोज़ की अपडेट नहीं मिल रही हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रेगुलर क्विजेस भी मिल जाएंगी और हमारे चैनल एंड वीडियोज़ अपडेट भी। साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट, अगर आपको जो 4 साल का जो कंप्लीट कोर्स होता है, लाइक आपको नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप हमारे GFA एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स इन द PDF फॉर्म एंड सेवरल बुक्स जो हैं हमने एक जगह अवेलेबल कराई हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। सो जैसे मैंने बताया कि आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजर पेस्ट ऑफ रेड ग्राम एंड चिकपी। सो वी आर डिस्कसिंग हेयर 10 मेजर पेस्ट एंड 3 माइनर पेस्ट, ठीक है। सो जो सबसे पहला जो मेजर पेस्ट है वो है ग्राम पॉड बोरर, जिसको हम लोग कहते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है। सो इट बिलोंग्स टू लेपिडोप्टेरा। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड हर जगह पाया जाता है। होस्ट रेंज जो है वो कॉटन, सॉर्गम, लबलब बीन एंड पी, ठीक है। ये जो मेजर क्रॉप्स हैं इनमें दिखेंगी चिली, ग्राउंड नट, ओकरा, मेज, सोयाबीन एंड ग्राम। कहने का मतलब है वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप में आप देखो यहाँ पे हमारे जो लेग्यूम्स हैं उनमें, ठीक है, सॉर्गम ऑयल प्रोड्यूसिंग जो सीड्स वगैरह हैं उनमें भी ग्राउंड नट जैसे हो गया, ठीक है, इनमें भी ये प्रेजेंट होता है। सोयाबीन आप देख रहे हो, ठीक है, इनमें भी ये क्या करता है, अटैक करता है। यहाँ पे मैंने इसका इमेज ऐड किया है कि इनका डैमेज सिम्टम क्या है। आप देख रहे हो पूरे पॉड्स को ये क्या कर रहे हैं, नाम ही है क्या, ग्राम पॉड बोरर, तो ये पॉड को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। यहाँ पे मैंने इनका एग, लार्वा एंड प्यूपा एडल्ट दिखाया है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम बात करेंगे डैमेज सिम्टम्स। सो डैमेज सिम्टम में अगर हम बात करें तो इनका जो हर स्टेज है, यानी एक लार्वा, सॉरी प्यूपा एडल्ट, ठीक है, और लार्वा, ये सारा जो है अफेक्ट करता है, यानी डैमेज सिम्टम कॉज करता है प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। सो सबसे पहला ये पॉलीफेगस पेस्ट है, यानी हर तरीके का जो पार्ट है प्लांट को उसको डैमेज करता है। कैटरपिलर्स फीड्स ऑन द फॉलिएज। लेटर जो बोरर्स बनेंगे वो पॉड के अंदर क्या करेंगे, उसको बोर कर देंगे उसमें, यानी बोर्स कर देंगे पॉड्स में, और जो एडल्ट हैं वो फीड करते हैं सीड्स के ऊपर, ठीक है। मतलब कैटरपिलर भी है और एडल्ट जो दोनों हैं वो सीड्स पे भी फीड करते हैं। लार्वा फीड्स विद द हेड अलोन थ्रस्ट इनसाइड द पार्ट्स। कहने का मतलब है लार्वा जो है अपने हेड को क्या करता है, जो भी पार्ट को डैमेज कर रहा है उसके अंदर अपना सर, मतलब उनका जो सर होता है वो अंदर की तरफ होता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो हैंगिंग आउट बाहर की तरफ होता है। ईटेल अगर हम बात करें तो एक लार्वा अगर 5 प्लांट पे हमें दिख रहा है एट द टाइम पॉड इनिशिएशन, अगर जब जिस टाइम पे मेरा पॉड लगना स्टार्ट हुआ है, तो हमें जो IPM है यानी इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बायोनॉमिक्स बात करें तो एक पीरियड जो है उनका 7 डेज का होता है। ओवी पोजिशन जो है होस्ट प्लांट, ठीक है, ओवी पोजिशन कहने का मतलब है होस्ट प्लांट पे ये एक को लेकर आते हैं। लार्वल ड्यूरेशन जो है 14 डेज का होता है। साइट ऑफ प्यूपेशन, प्यूपा कहाँ पे बनेंगे, वो बनेंगे सॉइल के अंदर। लाइफ स्पैन 28 डेज, प्यूपेशन पीरियड इज 10 डेज, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, यही इमेज मैंने फर्स्ट स्लाइड पे यूज़ किया था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सो नेक्स्ट स्लाइड इज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो आपने देखा है कि क्रॉप जो, ये जो पेस्ट है वो बहुत सारे क्रॉप को डैमेज करता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज, ठीक है। सो सबसे पहला कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ग्रो कर सकते हैं, ग्रो हेलिकोवर्पा रेजिस्टेंट वेराइटीज़, ठीक है। जैसे रेड ग्राम के केस में बात करें तो T21, बोरी, पंत A1, ये कुछ वेराइटीज़ हैं। अगर चिकपी के बारे में बात करें ICCV, ठीक है, ICCVIO, ठीक है, दुलिया, ये कुछ इसकी वेराइटीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं फॉर दी हेलिकोवर्पा, ठीक है। इंस्टॉल बर्ड परचेस। बर्ड परचेस क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे कि जो खेत है यानी जो हमारा फील्ड है उसमें हम कहीं पे रॉड्स एंड पिलर्स लगा देते हैं, जनरली हॉरिजॉन्टल लगाते हैं ताकि उसमें बर्ड्स आएँ और लार्वा को पिक करें, ठीक है। स्प्रे कर सकते हैं NVP एट द रेट ऑफ 500 लीटर्स पर हेक्टेयर, ठीक है। अप्लाई इंसेक्टिसाइड यानी केमिकल कंट्रोल, इंडोसल्फान 1.5D यूज़ करेंगे, ठीक है, क्विनलफॉस भी यूज़ कर सकते हैं 1.5D, ठीक है। सो तो ये था हमारा, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनके जो लार्वाज होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो ये स्लगिस टाइप हैं, इनके पैर जो हैं वो दिख ही नहीं रहे, मतलब पैर लगभग नहीं होते हैं। तो दिस इज़ एग, ठीक है, दिस इज़ लार्वा, लार्वा के डिफरेंट इंस्टार स्टेज को दिखाया गया है, एंड दिस इज़ द प्यूपा स्टेज यानी प्यूपल स्टेज, एंड दिस इज द एडल्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेस्ट, दैट इज़ ब्लू बटरफ्लाई। जो सेकंड मेजर पेस्ट है वो है ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है, ये बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा से। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, ठीक है, होस्ट रेंज इंडिया। सो मूविंग टू द डैमेज सिम्टम्स, लार्वा फीड्स इनसाइड द फ्लोरल बर्ड्स,
यहाँ पे बर्ड्स होना चाहिए था, ये मैं जब पीपीटी को डालूंगा ग्रुप में तो इसे मैं एडिट कर दूंगा, ठीक है। बोर होल्स इन पॉट्स, कहने का मतलब है पॉट्स के अंदर क्या करते हैं, होल्स क्रिएट कर देते हैं, लार्वा फीड करता है फ्लोरल बर्ड्स पे, यानी बर्ड्स को डैमेज करता है, ठीक है, मतलब बर्ड्स जो फ्लावर्स हैं उनको, मतलब फ्लावर्स इमर्जिंग के पहले, ठीक है। सो बायोनॉमिक्स अगर हम बात करते हैं तो एक पीरियड 4 to 7 days का होता है, लार्वल पीरियड 9 to 27 days, प्यूपल पीरियड 17 to 19 days, ठीक है। आप देख रहे हो कहने का मतलब क्या है कि एक पीरियड बहुत कम टाइम का है, लार्वा पीरियड भी जो है वो एक सफिशिएंट टाइम लेता है, प्यूपल पीरियड जो है वो भी एक सफिशिएंट टाइम, मतलब कहने का मतलब है कि प्यूपा जो है 2 दिन के अंदर क्या करता है, डेवलप कर जाता है। सो सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है वो है लार्वल पीरियड, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू दी ओवी पोजिशन ऑन होस्ट प्लांट पार्ट्स, कहने का मतलब है कि एग लेइंग कहाँ पे करेंगे, ये होस्ट के जो प्लांट पार्ट है उनके ऊपर में। साइट ऑफ प्यूपेशन, कहाँ पे प्यूपा बनेगा, लीफ या ट्विक्स या फिर पॉट्स, ठीक है, ये कहीं पे भी प्यूपा कन्वर्ट, यानी प्यूपा वहाँ कहीं पे भी ये क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी डैमेज सिम्टम, तो बर्ड्स फ्लावर्स एंड यंग पॉट्स विद बोर होल्स, पहले तो होल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्लग लाइक कैटरपिलर, स्लग लाइक कैटरपिलर कहने का मतलब क्या होता है, इनके कैटरपिलर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनके लेग्स नहीं होते हैं, तो स्लग मीन्स क्या हुआ, ऐसे कैटरपिलर्स जिनके जिनका बॉडी जो होता है बहुत सॉफ्ट, जनरली जो हमारे लार्वा होते हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं लेकिन पैर यानी उनके लेग्स जो हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो दिस इज दी सेकेंड जो हमने सेकेंड डिस्कस किया जो पेस्ट वो है ब्लू बटरफ्लाई। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सो दी थर्ड पेस्ट इज ग्रास ब्लू बटरफ्लाई, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू लेपिडोप्टेरा, ठीक है। आप इसका डैमेज सिम्टम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पॉड को भी क्या करता है, डैमेज करता है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, रेगुलर पेस्ट है, ठीक है, इंडिया के लिए रेगुलर पेस्ट है, मतलब हमेशा ये पाया जाता है। होस्ट रेंज ब्लैक ग्राम, पीज, लवलब बीन एंड रेड ग्राम, तो आप देख रहे हो ये मेनली जो है वो लेग्यूम्स पे ही क्या करता है, डैमेज करता है, तो इसका नाम क्या है, ग्रास ब्लू बटरफ्लाई। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसका बायोनॉमिक्स क्या है, एडल्ट बटरफ्लाई इज ब्लू, इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्लू बटरफ्लाई। फाइव ब्लैक स्पॉट्स ऑन दी हाइंड विंग्स, हाइंड विंग जो होगा पीछे वाला, तो उससे 5 ब्लैक डॉट्स पाए जाएंगे, 2 ब्लैक स्पॉट्स ऑन द इनर मार्जिन, ठीक है। फंडिसिटी यानी एग लेइंग कैपेसिटी 60 to 200 एग्स। ओवी पोजिशन स्टेम पॉड लीफ पेटियोल, लीफ पेटियोल इज अ सिंगल टर्म, सो स्टेम पे पॉड पे लीफ पेटियोल पे वो क्या एग ले कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 10 days, लार्वल पीरियड 10 to 21 days, प्यूपेशन पीरियड इज 5 to 12 days, एंड साइट ऑफ प्यूपेशन कहाँ है, प्यूपा कहाँ पे कन्वर्ट होगा, सो सॉइल और बिटवीन द फॉलन लीव्स, ठीक है, लीव्स के बीच में, ठीक है, या फिर सॉइल में। मैनेजमेंट प्रैक्टिस, अवॉइड अर्ली और लेट सोइंग, ठीक है, फर्स्ट तो ये चीज़ हो गया। देखिए क्या होता है, जब हम अर्ली और लेट सोइंग करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इनका लाइफ साइकिल है उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो डाउन हो जाता है। डिस्करेज डेंस और क्लोज प्लांटिंग, क्योंकि अगर इन्फेस्टेशन हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं, अगर हमने दूर दूर लगाया है, ठीक है। पिक एंड डिस्ट्रॉय द लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट्स, कंजर्व लार्वल पैरासिटॉइड्स, ठीक है, लार्वल पैरासिटॉइड्स का हमने यहाँ पे नाम भी दे दिया है, आप इसको याद कर सकते हो। रिलीज एक पैरासिटॉइड, ठीक है, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं लाइक एक पैरासिटॉइड में, ठीक है, एक पैरासिटॉइड आर ऐसे पैरासिटॉइड जो एक को डैमेज करते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स क्या है, आई गेस दिस स्लाइड इज रिपीटेड, सो ये स्लाइड मैंने डिस्कस कर दिया है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द फोर्थ पेस्ट इज द प्लूम मॉथ, ठीक है, ये भी बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा से। डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो इंडिया, नेपाल एंड न्यू गिनिया, ठीक है। होस्ट रेंज रेड ग्राम, लवलब बीन, नाइगर एंड हॉर्स ग्राम, ऑल दीज क्रॉप्स आर लेग्यूमिनस, ठीक है, तो यानी लेग्यूम क्रॉप पे ही लगते हैं ये। डैमेज सिम्टम, टाइनी लीव्स बोर इन टू अनओपन बर्ड्स, ठीक है। फ्लावर्स एंड टेंडर पार्ट्स, कहने का मतलब है कि जो टाइनी लीव्स हैं बोर कर देते हैं वो, ठीक है, अनओपन बर्ड्स, फ्लावर्स और टेंडर पार्ट्स सबको बोर कर देते हैं, ठीक है। 5 to 20% पॉट्स आर डैमेज्ड, 5 to 20% जो पॉट्स बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो कि दिस इज़ द एडल्ट, ठीक है, दिस इज एडल्ट, और यहाँ पे है, आप डैमेज सिम्टम देखो इसका, दिस इज़ एग, यहाँ पे जो मैंने दिखाया है दिस इज़ एग, ठीक है। सो यहाँ पे इसका लार्वा है और दिस इज़ द डैमेज, इन्होंने पॉट में क्या किया है, डैमेज किया है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आपने एडल्ट को यहाँ पे देख लिया, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेट अ मिनट, यस, सो नाउ इज द बायोनॉमिक्स।
सो बायोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इनका ओबी पोजीशन क्या है, फ्लावर बर्ड्स एंड टेंडर पॉड्स, ठीक है, यहाँ पे मतलब एग लेइंग करेंगे, साइट ऑफ प्यूपेशन इज ऑन पॉड्स, प्यूपल पीरियड जो होता है इनका 4 to 8 days का होता है, लार्वल पीरियड 14 to 30 days, एग पीरियड 4 days, ठीक है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लार्वल पैरासिटॉइड, ठीक है, जैसे इनका नेम यहाँ पे गिवन है, केमिकल मीजर्स आर सेम एज रेड ग्राम पोड बोरर, ठीक है, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। सो दिस इज द फोर्थ वन, एंड द नेक्स्ट वन इज ए फिफ्थ, द स्पॉटेड पॉड बोरर जो बिलोंग करता है लैपिडोप्टेरा से। अभी आप देखो कि जो भी मेजर पेस्ट हैं इन दो क्रॉप्स के यानी रेड ग्राम चिकपी के, सारे लैपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो इससे ये चीज़ पता लगता है कि ये जो एक टाइप के ही पेस्ट हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी हमें जो प्रैक्टिसेस हैं वो लगभग लगभग सिमिलर रखना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस अगर बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी नियर टू द इक्वेटर और थोड़ा सा इक्वेटर से दूर की तरफ जो हमारे कंट्रीज हैं यानी जो रीजन्स हैं वहाँ पे इनका डैमेज होता है। होस्ट रेंज बात करें तो बीन्स, पीस, कैस्टर, ग्राउंड नट, राइस, सीसम, लबलब, रीड, रेड ग्राम, नाइगर, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, कहने का मतलब वैराइटीज ऑफ क्रॉप। अब देख लो पल्सेस भी हैं यहाँ पे, ठीक है, सीरियल्स भी हैं, ऑयल सीड्स भी हैं, तो इन सब तरीके के क्रॉप में क्या करता है, ये डैमेज करता है। डैमेज सिम्टम क्या है, सबसे पहला जो है पॉड बोरर है तो क्या करेगा, बोर्स करेगा, ठीक है, पॉड्स में, ठीक है, फ्लावर्स में, और इन्फेस्टेड पार्ट्स आर वेब टुगेदर, वेब मतलब जालीनुमा हो जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो उसका डैमेज सिम्टम क्या है, ये वेबनुमा यानी जालीनुमा हो जाते हैं, ठीक है। सो आप ये देखो पॉड को इन्होंने किस तरीके से डैमेज किया है, जिनका हेड पार्ट है वो अंदर की तरफ है, बाकी जो है ये हैंगिंग क्या है वो बाहर की तरफ है, इनका बॉडी का जो जो नॉर्मल पार्ट है वो कहाँ है, बॉडी जो है वो बाहर है और जो हेड है वो पॉड के अंदर होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसके बायोनॉमिक्स, इनको पहचानना कैसे है, ओवी पोजीशन जो है फ्लावर्स, बर्ड्स और पॉड्स कहीं पर भी एक दे सकते हैं, साइट ऑफ प्यूपेशन इज द ड्राई लीव्स या फिर डेब्रीज, ठीक है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में कंजर्व लार्वल पैरासिटॉइड, ठीक है, जैसे इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैको नेलबेटोर, ठीक है। केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं एज सेम एज रेड ग्राम एंड पॉड ग्राम बोरर, ठीक है, सॉरी रेड ग्राम पॉड बोरर। ग्लो कल्टीवर्स लाइक ICPL 98001, ICPL 98008, etc. दीज आर दी रेजिस्टेंट वेराइटीज। सो हमने पांच मेजर पेस्ट को डिस्कस कर लिया अभी तक। जो सिक्स्थ नंबर है वो है स्पाइनी पॉड बोरर्स, ठीक है, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू लैपिडोप्टेरा। ऑर्डर क्या है, लैपिडोप्टेरा है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, USA, कहने का मतलब वर्ल्ड वाइड आप देखो हर जगह है। इट्स अ मेजर पेस्ट ऑफ लेंटिल्स एंड ग्रीन पीस इन नॉर्थ इंडिया। अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें तो ये जो है रेड ग्राम एंड चिकपी तो है इंडिया में, लेकिन और जो नॉर्थ इंडिया के बारे में अगर प्रिडोमिनेंटली बात करें तो ये मेजर पेस्ट है लेंटिल्स एंड ग्रीन ग्राम ग्रीन। सो आप यहाँ देख सकते हैं उसका डायग्राम यहाँ पे, सॉरी इमेज जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज लार्वा, दिस इज प्यूपा एंड दिस इज द एडल्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, होस्ट रेंज जो है इसका रेड ग्राम, हॉर्स ग्राम, ग्रीन पीस, लेंटिल्स, काउ पी एंड ग्रीन ग्राम। बेसिकली ये जो है ये सिर्फ लेग्यूम्स पे ही क्या करते हैं, अटैक करते हैं। डैमेज सिम्टम क्या है, फीड्स इनसाइड एंड देन ऑन पॉड्स, कहने का मतलब है जो लार्वा है फीड करता है पॉड्स पे इनसाइड एंड देन ऑन पॉड, 2 to 4 pods वेबिंग टुगेदर, मतलब कहने का मतलब है कि 2 to 4 pods को एक साथ क्या कर देता है, वेब कर देता है। बायोनॉमिक्स अगर बात करें तो फंडिसिटी, एग लेइंग कैपेसिटी कितनी है, 47 to 178 eggs। ओवी पोजीशन जंक्शन ऑफ कैलिक्स एंड पॉड्स, कहने का मतलब आपने जब पॉड देखा होगा तो फ्लावर का कैलिक्स रीजन साथ में अटैच रहता है, तो वहाँ जो जंक्शन है वहाँ पे क्या करते हैं, एक को ले करते हैं पॉड सर्फेस पे। इंक्यूबेशन इज 5 to 6 days, मतलब एक का इंक्यूबेशन 5 to 6 days का होता है। लार्वल पीरियड इज 10 to 13 days, प्यूपल पीरियड इज 9 to 20 days एंड मॉथ पेयर जो है वो 24 to 30 hours आफ्टर द इमर्जेंस, ठीक है। सो दिस इज द इमेज ऑफ दैट पेस्ट और दिस इज द डैमेज दैट दे हैव कॉज इन द पॉड्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सो मैनेजमेंट इनको इनका कैसे करना है। सो मैनेजमेंट के लिए केमिकल कंट्रोल मेजर्स आर सेम एज रेड ग्राम एंड पॉड बोरर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि सारे एक ऑर्डर से बिलोंग कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर केमिकली बात करें तो सारे सेम ही होंगे लगभग। कंजर्व एनिमीज लाइक टेट्रा स्टिटस, ठीक है, स्पीसीज को हम क्या करेंगे, कंजर्व कर सकते हैं ताकि वो उनको क्या करें, नेचुरली प्रीडेट करें। सो सेवन्थ वन इज पॉड फ्लाई, ये बिलोंग करता है डिप्थेरा से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें तो स्टेटस इंडिया, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस क्या है, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान। होस्ट रेंज जो है वो रेड ग्राम, भिंडी, सैफ्लावर, ठीक है, सैफ्लावर इज ए ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड, ठीक है, सैफ्लावर इज ए ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप,
ठीक है। डैमेज सिम्टम अगर बात करें, मैगट्स कॉज डैमेज बाई बोरिंग सॉफ्ट सीड्स एंड फीड इन ऑन ग्रेन्स, ठीक है। सो अगर हम बात करें इन केस ऑफ सीवियर इन्फेस्टेशन क्या होगा, सीवियर इन्फेस्टेशन में कॉज 60-70% ऑफ द डैमेज, ठीक है। बायोनॉमिक्स क्या है, ओविपोजिशन जो है इनसाइड पॉड वॉल, ठीक है, जो पॉड बनेगा उसका वॉल जो इनसाइड होगा वहाँ पे एग लेइंग कैपेसिटी वहाँ पे है, एग लेइंग कैपेसिटी जो है वो 60-80 एग्स की होती है। लार्वल पीरियड जो होता है 5-18 डेज का, इंक्यूबेशन जो है 2-4 दिन का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज एग, दिस इज प्यूपा, दिस इज एडल्ट एंड दिस इज द डैमेज सिम्टम दैट दे हैव कॉज्ड। आप इनके ग्रेन्स को देखो, यानी जो इनके सीड्स हैं वो सीड भी डैमेज हो गए, पॉड्स भी और कम्प्लीटली सीड्स भी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द प्यूपल पीरियड। प्यूपल पीरियड जो है 7-10 डेज का होता है। फर्स्ट जनरेशन जो है, एक जनरेशन आता है एक ईयर में, कहने का मतलब है यानी एक बार ही लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट होती है एक साल में। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कंजर्व एनिमीज लाइक, यहाँ पे मैंने बहुत सारा नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हो, इनका प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना। सो दिस वन इज द ईजिएस्ट प्रोनाउंसिएशन, यूरिटोमा स्पीसीज, ठीक है। सो आप अगर चाहो तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है। हम बेसिकली अगर बात करें तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हमें नेचुरल एनिमीज को कंजर्व करना है, स्प्रे कार्बाइल, यानी अगर हम केमिकल कंट्रोल में बात करें तो कार्बाइल 50 WP एट द रेट ऑफ 1.55 kg, इंडोसल्फान भी यूज़ कर सकते हैं 1.5 लीटर, ठीक है, इंसेक्टिसाइड विद द 700 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर, ठीक है। एक हेक्टेयर में 700 लीटर पानी में हमें 1.25 लीटर मिलाना होता है इंडोसल्फान 35 EC का, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड 7 मेजर पेस्ट। नेक्स्ट इज द रेड ग्राम स्टर्लिटी माइट, ठीक है, इरीफाइड माइट भी कहते हैं इसको, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो इंडिया, ठीक है, और वेक्टर ऑफ पीजन पी स्टर्लिटी मोजाइक डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हमें अलग मिला है कि ये है वेक्टर किसका, पीजन पी के स्टर्लिटी मोजाइक डिजीज़ का। डैमेज सिम्टम, इन्फेस्टेड प्लांट्स जो हैं डेवलप्स लाइट ग्रीन क्लोरिक वेन, क्लोरोटिक वेन्स, ठीक है, यानी जो होगा उनमें जो क्लोरोफिल होगा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, विच हैव मोजाइक पैटर्न्स, ठीक है। मोजाइक कहने का मतलब क्या होता है, रैंडम पैटर्न्स, मोजाइक, ठीक है। और मोस्ट इन्फेस्टेड प्लांट डू नॉट बियर फ्लावर्स, अगर हम देखें तो फ्लावर जो है उनमें लगेगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज द डैमेज सिम्टम। अगर हम बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो बायोनॉमिक्स जो है, माइट्स आर डिफिकल्ट टू सी विद द नेकेड आइज, ठीक है, और इनका जो बॉडी होता है वो 0.2 mm लॉन्ग, लाइट पिंक कलर्ड होता है यानी एडल्ट, और मिल्की वाइट एग्स देते हैं ये, फीड ऑन दी अंडर साइड ऑफ द लीफलेट्स, जो लीफलेट्स अभी बन रही हैं उनके अंडर साइड में ये अपने आप को क्या करते हैं, फीड कराते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, अवॉइड सिंथेटिक पैराथायरॉइड्स एज दे कॉज रीसर्जेंस आफ्टर द रिपीटेड स्प्रे, कहने का मतलब है कि हमें रेगुलर नहीं करना है, ठीक है, जो सिंथेटिक पैराथायरॉइड्स हैं इनका रेगुलर यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये रेजिस्टेंट हो जाएंगे फिर उससे, ठीक है। यूज रेजिस्टेंट पीजन पी वेराइटीज, ठीक है, स्प्रे डिकोफॉल, डाइकोफॉल, ठीक है, डाइकोफॉल यूज़ कर सकते हैं 18.5 EC एट द रेट ऑफ 1 लीटर, ठीक है। सो इसको भी यूज़ हम करते हैं 700 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर में। तो ये हमने कंप्लीट किया 8वां मेजर पेस्ट। 9th इज द स्टेम फ्लाई, इट बिलोंग्स टू डिप्टेरा, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें तो इंडिया, श्रीलंका, लाओस, न्यू साउथ वेल्स, फिलीपींस, यानी आप जो देखोगे जनरली जो ये जो कंट्रीज यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ठीक है, ये सारी कंट्रीज जो है एशिया एंड नियर बाई एशिया हैं, ठीक है। होस्ट रेंज अगर बात करें तो रेड ग्राम, और वो भी अगर आप बात करो तो ये जनरली जो है साउथ एशिया की तरफ है, ठीक है। होस्ट रेंज बात करें तो रेड ग्राम, बीन, काउपी, सोयाबीन, ठीक है, ये सारी जो हैं जो मेजर क्रॉप्स हैं जिनके ये होस्ट होते हैं, ठीक है, सॉरी इनके जो पेस्ट होते हैं, यानी ये जो क्रॉप्स हैं ये क्या है, इनके होस्ट प्लांट्स हैं। डैमेज सिम्टम्स में ड्रॉपिंग टेंडर लीव्स, जो टेंडर लीव्स होती हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं। येलोइंग कैरेक्टराइज सीरियस डैमेज टू द यंग प्लांट्स, येलोइंग हो जाता है प्लांट में। ओल्डर प्लांट्स सो स्टंटिंग बट आर नॉट यूजुअली किल्ड, मतलब जनरली स्टंटिंग होगा प्लांट जो होंगे किल नहीं होंगे ओल्डर प्लांट्स, ठीक है। रिबिंग अकर्स वेयर स्वॉलन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैगोट्स एंड प्यूपा, ठीक है। और अगर इनके बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें, आप इमेज देख सकते हो, ठीक है, दिस इज द स्टेम फ्लाई। सो बायोनॉमिक्स क्या होता है, एडल्ट इज अ स्मॉल ब्लैक फ्लाई, फंडिसिटी जो है 38-79 एग्स, एग लेइंग पीरियड जो होता है 3 डेज, लार्वल पीरियड जो होता है 5-6 डेज का होता है, प्यूपेशन 8-9 डेज का, एंड साइट ऑफ प्यूपेशन लार्वल ग्रूव, ठीक है, जहाँ पे लार्वा बनता है जिस जगह पे उस ग्रूव में, इसको क्या करते हैं वहाँ पे वो एग देती हैं। सो
आपने ये जो देखा होगा, आप जनरली इसको हैं हमारे हाउस अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए अवेलेबल है, तो आप वहाँ से अभी भी डाउनलोड कर सकते हो। सो मूविंग, सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इनको कैसे मैनेज करना है। सो कंजर्व नेचुरल एनिमीज, ठीक है, पहला तो यही हो गया। सीड प्लेटिंग, ठीक है, प्लेटिंग विथ क्लोरोफॉस करना होता है, ठीक है, मतलब हम सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। बेसिकली स्प्रे एनी वन ऑफ द कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड इन अर्ली स्टेज ऑफ द अटैक, जब अर्ली अटैक हुआ है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे। और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का क्या होता है, जैसे कोई भी पेस्ट उनसे मतलब टच होता है यानी कॉन्टैक्ट में आता है, वो किल हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से। और केमिकल कंट्रोल में हम कार्बाइल 50 WP यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 1.5 kg, या फिर इंडोसल्फाइन 35 EC एट द रेट ऑफ 1.25 लीटर इन 700 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। सो हमने डिस्कस किया 9 नंबर मेजर पेस्ट, एंड वी आर कमिंग टू द लास्ट पेस्ट, यानी लास्ट मेजर पेस्ट 10th, फील्ड बी पॉड बोरर। ये बिलोंग करता है लैपिडोप्टेरा से। डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस कोल्ड वेदर पेस्ट, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया। होस्ट रेंज जो है इसका पीजन पी, लबलब एंड नाइगर। डैमेज सिम्टम जो होता है, लार्वा बोर्स इनसाइड द पॉड एंड फीड्स ऑन द सीड विद इन, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है पॉड्स के अंदर छेद करके चला जाता है और सीड जो है उसके ऊपर क्या करता है, वो अपने आप को रखता है, मतलब उसी से फूड लेता है। बायोनॉमिक्स अगर हम बात करें तो ब्राउन येलोइश मॉथ्स होते हैं, ठीक है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे। ओवी पोजिशन ऑन फ्लावर्स बर्ड्स एंड पॉड्स, एग्स आर माइन्यूट इन साइज, एक पीरियड 3 दिन का, लार्वल पीरियड 14 to 15 days, प्यूपल पीरियड 11 days, फुली ग्रोन लार्वा 28 to 35 mm लॉन्ग होता है। हाइबरनेशन जो है बात करें तो प्यूपल स्टेज ड्यूरिंग फरवरी टू नवंबर, मतलब जो प्यूपा है वो फरवरी से नवंबर तक वो हाइबरनेशन में चला जाता है। सो दिस इज़ द बायोनॉमिक्स ऑफ द फील्ड बीन पॉड बोरर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर इनके मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे तो कंजर्व द नेचुरल एनिमीज लाइक ब्रैंको हेबेटोर, ठीक है। केमिकल कंट्रोल मेजर्स है सेम रेड ग्राम एंड पॉड बोरर की तरह। सो हमने डिस्कस किया गाइस 10 मेजर पेस्ट। आई नो हमें कुछ लेक्चर्स जो हैं थोड़ा सा फास्ट ले जाना पड़ता है, कि हमें बहुत सारे कुछ ऐसे भी पेस्ट हैं जिन्हें हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि सारे पेस्ट को हम यहाँ पे पढ़ जाएं। तो हमने टोटल डिस्कस किया 10 मेजर पेस्ट, और इसके 3 माइनर पेस्ट भी हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो ब्लिस्टर बीटल, पॉड वैस्प एंड फ्लावर वेबर, ये 3 जो हैं इनके माइनर पेस्ट होते हैं, आप इनका नाम याद रखना। और मैं इमेज से आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। सो जो ब्लिस्टर बीटल है वो रहा ये फर्स्ट वाली डायग्राम में। आपने इसको जनरली देखा होगा, आपने जब आप इंसेक्ट्स के लिए जो आप इंसेक्ट बॉक्स बनाते हो, आपने इसको मे बी कहीं कलेक्ट भी किया होगा। सो दिस वन इज़ दी फर्स्ट वन, ब्लिस्टर बीटल। सेकंड इज़ दी पॉड वैस्प। सो आप देख सकते हो पॉड वैस्प नाम है, तो उनका जो ये लार्वा है यहाँ पे डैमेज करता है, और जो एडल्ट है वो इस तरीके से पॉड में, कहने का मतलब है कि पॉड में डैमेज करेगा। तो दिस डैमेज इज कॉज बाय द लार्वा, एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो लार्वा है यहाँ पे नीचे साइड जो सर्कल है, और दिस इज़ दी एडल्ट, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो अगर आपको एक भी पेस्ट में अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमने कम पढ़ा है, बहुत फास्ट चले गए, कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आया है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछो। नहीं तो अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते क्योंकि वो बहुत पब्लिक होता है, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आके पर्सनल मैसेज कर सकते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। मैंने जैसे आपको पहले बताया, अगर आपको हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्ट होना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की अपडेट मिले। साथ साथ लास्ट चीज़ जो है कि आप अगर आपको इस लेक्चर की PDF या PPT चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 800+ सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी एडेड हैं। सो गाइज इन सारी चीज़ों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।